गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुखैद। तो मैं एक और नई वीडियो के साथ, इसमें आज हम जानेंगे भाई ट्रैफिक कौन से मुल्क में ज्यादा होता है, जापान वर्सेस इंडिया। इसमें आज हम जानेंगे भाई के ट्रैफिक के बारे में। आज हम दोनों की देख के आए हैं, आबादी जो है ना हाँ, ज्यादा है ना, तो देखते हैं। लेकिन इंडिया टॉप पे है भाई इस टाइम पे। देखते हैं भाई कौन से मुल्क में इतनी ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसको ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, 1960 के दशक में जापान में हर साल रोड एक्सीडेंट्स के कारण मरने वाले लोगों की संख्या 1894 की पहली सीनो जापानीज वॉर में मरने वाले लोगों से भी ज्यादा थी। लेकिन 2021 में जापान ने अपनी हिस्ट्री की सबसे कम रोड कैजुअलिटीज देखी हैं, जहां भारत में 2021 में 1,55,000 से ज्यादा लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई, वहीं जापान में नंबर 3,000 से भी कम था। अमेरिका में 40,000 से ज्यादा लोग अपनी जान रोड क्रैश में गंवा देते हैं। यानी जापान कुछ तो ऐसा कर रहा है जिससे वहाँ के रोड्स को लोगों के लिए ज्यादा सेफ बना दिया गया है। क्या इस मॉडल को भारत या बाली देशों में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और कैसे हुआ ये सब? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम तलाशेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जापान ने ट्रैफिक के खिलाफ छिड़ी इस जंग को जीतने के लिए पहले अपने दुश्मन को समझना शुरू किया। उन्होंने इस बात का सर्वे किया कि आखिर सड़कों पर इतना ट्रैफिक है ही क्यों। तब उन्हें समझ में आया कि ट्रैफिक की बड़ी वजह यह है कि लोगों के पास ऑप्शंस की कमी है। अगर वो रोड से नहीं जाएंगे तो ट्रेन वगैरह से नहीं जा सकते और साथ ही बसेस में जाना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए जापान ने सबसे पहले अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना शुरू किया और हाई स्पीड ट्रेन को प्रमोट किया। आज जापान में 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन बहुत ही आम है। 1964 में अपनी पहली बुलेट ट्रेन शिनकानसेन लॉन्च करने से लेकर अब तक जापान ने बहुत तेजी से ग्रो किया है। ओसाका से टोक्यो जाने के लिए हर घंटे करीब 15 ट्रेन तैयार रहती हैं, जो इस 530 किलोमीटर लंबे सफर को सिर्फ 2.5 घंटे में तय कर देती हैं, जबकि एक कार में 6 घंटे लग जाएंगे। इस एफिशिएंसी के कारण लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ट्रेन्स को ही प्रेफर करते हैं। ट्रेन्स ना सिर्फ जल्दी आपको पहुंचा देती हैं, बल्कि इससे आपका पैसा भी बचता है और एनवायरमेंट की सेफ्टी हो जाता है बंदा। लॉन्ग डिस्टेंस के साथ साथ जापान ने अपने इंटरसिटी रेल नेटवर्क को भी काफी मजबूत किया है। टोक्यो मेट्रो एक बार में 285 स्टेशन से होकर गुजरती है, जो न्यूयॉर्क के सबवे सिस्टम से भी दोगुना है। और सिर्फ टोक्यो ही क्यों, अब देखते हैं भाई इंडिया का क्या सीन है। छोटा शहर है, उसकी बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 15 लाख लोग रहते हैं। लेकिन फिर मेन सिटी और एयरपोर्ट तक जाने के लिए ट्रेन का इतना मजबूत नेटवर्क सेटअप किया गया है कि आप सब 6 मिनट में एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। 6 मिनट में भाई, तौर पर एक काफी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट मिलता है और इसे बनाने में भी जापान ने काफी मदद की भारत की। आज दिल्ली का ज्यादातर ट्रैफिक सिर्फ इसलिए बचा हुआ है क्योंकि यहाँ पर मेट्रो है। लेकिन इसके साथ न सिर्फ आपको एफिशिएंट होना है, बल्कि सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जापान की बुलेट ट्रेन न सिर्फ फास्ट है बल्कि सेफ और कंफर्टेबल भी है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो हर साल मुंबई में 700 लोगों की मौत तो सिर्फ ट्रेन से गिरकर ही हो जाती है। जापान के रेलवे नेटवर्क की मदद से उन्होंने सबसे पहले रोड पर कार्स को ही कम कर दिया, जिसने ऑटोमेटिकली कार क्रैशेस के चांसेस को घटा दिया। जापान में कार्स को लेकर एक काफी अच्छा लॉ है जो इस फील्ड में और भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसे जापान में शाको शोमेई शो कहा जाता है, जिसका मतलब है गैराज सर्टिफिकेट। जापान में ये रूल है कि आप अपने घर या किसी भी बिल्डिंग के आगे रात को अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हो। इसीलिए अगर आपको कार लेनी है तो उससे पहले एक गैराज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जिसमें मेंशन होगा कि आपके घर में इतनी जगह है कि आप अपनी गाड़ी घर के अंदर ही पार्क कर सके। आप तो जानते हैं कि रात को भारत की गलियों में इसी वजह से लोगों ने गाड़ियां लेनी काम का किसी और गाड़ी को उस गली से गुजरना हो तो बहुत ही संभाल के चलना पड़ता है। जापान की इस पॉलिसी के दो फायदे उन्हें मिले। पहले तो जापान में कार लेने वाले लोगों की संख्या में काफी कमी हो गई, क्योंकि जापान में ट्रेन्स हैं तो इससे ज्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ा उन्हें। इसका एक दूसरा फायदा ये भी है कि जिन लोगों के पास कार्स हैं उनके लिए रोड्स अब ज्यादा क्लियर हैं, उसमें इनफ स्पेस है ताकि छोटे मोटे एक्सीडेंट्स को अवॉइड भी किया जा सके। इस नो पार्किंग पॉलिसी की वजह से जापान में जिन लोगों को अपना कोई व्हीकल लेना भी है वो भी साइकिल या फिर स्कूटर अब प्रेफर करने लगे हैं, और जो शॉर्ट डिस्टेंस राइड्स के लिए काफी बेहतर भी है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उनके पास रेल्स तो है ही। जापान में एक और चीज है जो वहाँ के ट्रैफिक को कम करने में बहुत कंट्रीब्यूट करती है, जिन्हें की कार्स कहते हैं। ये
ये दुनिया भर में कार्स के नाम से जानी जाती है और नाम से ही जैसा कि साफ लग रहा है कि इनका साइज भी नॉर्मल कार के मुकाबले काफी छोटा है। इन कार्स का वेट करीब 1 टन होता है और साइज में भी ये सिर्फ 130 इंचेस की होती है क्योंकि जापान में ज्यादातर फैमिलीज का साइज बस 3 से 4 फैमिली मेंबर्स का ही होता है, इसलिए वहाँ के लिए एक परफेक्ट व्हीकल है और इससे कोई भी परेशानी भी नहीं होती है। केई कार्स की शुरुआत जापान में नहीं बल्कि यूरोप में हुई थी जब दूसरे विश्व युद्ध में लोगों को अफोर्डेबल कार्स की जरूरत पड़ी थी और उसे एक सस्ते अल्टरनेटिव के रूप में पेश किया गया था, लेकिन जापान ने इन्हें बड़ा ही बना लिया। आज इन कार्स की कीमत भी जापान में बहुत कम है क्योंकि इन कार्स के लिए सरकार सब्सिडी देकर अपनी जेब से पैसा खर्च करती है। इससे एक फायदा ये हुआ कि जापान में जिन लोगों के पास भी कार है वो भी इन्हें एक सेकेंड हैंड या थर्ड व्हीकल की तरह खरीद लेते हैं ताकि छोटे मोटे कामों के लिए बड़ी गाड़ियां उन्हें बाहर न ले जानी पड़े। आज जापान में मिलने वाली सभी कार्स में से 1/3 कार्स ये मिनी कार्स ही हैं। कई कार्स का फायदा है ही कि वो रोड पर कम चला लेती हैं और जल्दी ट्रैफिक से निकल सकती हैं। लेकिन इनके कम वेट के कारण किसी टक्कर के दौरान इनका कोलिजन फोर्स भी कम रहता है और कार में बैठे लोग नुकसान से बच जाते हैं। इसके साथ साथ इन कार का जो फ्रंट होता है वो ज्यादातर फ्लैट रहता है जिस वजह से ड्राइवर को रोड पर जिन ब्लाइंड स्पॉट का सामना करना पड़ता है वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। मिनी कार्स को वैसे टाटा नैनो के रूप में भी भारत में ट्राई किया गया था जो कि उतना सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन अब कुछ और गाड़ियां हम रोड पर देखते हैं जो साइज में किसी सेडान से ज्यादा छोटी हैं लेकिन लुक्स और पावर में एक नॉर्मल आदमी के लिए ठीक मानी जाती है, इसलिए इस ट्रेंड को हम अच्छे से फॉलो कर ही रहे हैं। फ्रांस की कंपनी सिट्रियन ने भी 2 साल पहले एक 6,000 यूरो की कार को वहां लॉन्च किया था। पहले दिन इसके सैकड़ों मॉडल्स बिक गए थे और माना जा रहा है कि इंटरसिटी ट्रैवल में ये मिनी कार्स आगे जाकर बहुत बड़ा रोल निभा सकती हैं। एक आखिरी चीज जो जापान के रोड सेफ्टी नंबर्स में कंट्रीब्यूट करती है वो है वहां की रोड्स की कंडीशन। किसी भी डेवलप्ड देश में आपको रोड्स की हालत बहुत अच्छी मिलेगी जिससे फालतू के रोड एक्सीडेंट्स अवॉइड किए जा सके, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर गाड़ियों से ज्यादा सड़कों पे गड्ढे हैं। हर मानसून में हमारी सड़कों में पानी भर जाता है और भी ज्यादा बड़े गड्ढे हो जाते हैं। 2020 जिस साल सबसे कम लोग शायद घर से बाहर निकले होंगे उस साल भी इन गड्ढों की वजह से भारत में 3,564 एक्सीडेंट्स हुए थे। 2019 में नंबर 4,775 था और ये तब हुआ था जब भारत सरकार ने रोड्स की कंडीशन पर ध्यान देना भी शुरू कर दिया है, वरना 2016 में सिर्फ गड्ढों की वजह से भारत में 9,423 एक्सीडेंट्स हुए थे जो अब गिरकर 3,564 पर पहुंचे। हमारे देश की रोड कंडीशंस में एक बड़ा गुनहगार करप्शन भी रहा है। इसका एक अच्छा एग्जांपल हमें अक्षय कुमार की फिल्म खट्टा मीठा में मिलता है जिसमें सचिन इसमें अक्षय कुमार का कैरेक्टर रोड कॉन्ट्रैक्टर है और किस तरह वो चंद पैसे बचाने मटेरियल्स का इस्तेमाल करता है। तो फिल्म थी पर सच्चाई से कुछ ज्यादा दूर नहीं थी दोस्तों, वरना आप खुद ही सोचिए कि हर साल आपके इलाके की सड़क अपने आप आखिर कैसे टूट जाती है, क्या भारत का मौसम इतना खराब है। तो अगर रिवाइंड करें तो जापान के रोड एक्सीडेंट्स में आई गिरावट के पीछे हमें 4 कारण मिलते हैं। पहला है कि उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेलवे नेटवर्क का मजबूत जो कि बहुत ही एफिशिएंटली और कंफर्टेबली लोगों को यहाँ से वहां ले जाने में सक्षम है। इसके बाद है उनकी नो पार्किंग अब तो भाई इसमें बहुत हो गया, कार लेने से रोकती है और फिर है वहां मिनी कार्स का पॉपुलर होना। ऐसी कार्स जो रोड पर कम स्पेस लेती हैं और किसी क्रैश के टाइम पर काफी सेफ मानी जाती हैं। और आखिरी है वहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। जापान को ये सब कदम उठाने पड़े क्योंकि जापान का साइज बहुत छोटा था और वहाँ की ट्रैफिक की प्रॉब्लम 60 के दशक में भारत से भी ज्यादा, ये छोटा है ना, वो वक्त आ गया कि भारत भी जापान से कुछ सीखे। इस दिशा में कुछ अच्छे कदम हमें मेट्रोज और गिरते एक्सीडेंट्स के नंबर से तो नजर आए हैं, लेकिन अभी काफी काम होना बाकी है। उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको काफी कुछ नया, जापान से आगे निकल जाएगा भाई इंडिया, तो वीडियो को लाइक करें और जापान से बहुत आगे निकल जाएगा इंडिया जो अभी प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू हुए और इंडिया में जो प्रोजेक्ट शुरू है दिन ब दिन जो बिल्कुल आ रहे हैं। और भाई वंदे भारत चौथी ट्रेन भी निकल आई है, मेट्रो भी बांध रही है भाई, बुलेट भी बांध रही है, बुलेट भी आ रही है और दूसरा ये कि इसमें कारें भी बहुत कमाल कमाल की छोटी, ये तो भाई इसमें इसमें भाई पहले जो था ना भारत के रोड थोड़े से खराब थे ना, लेकिन अभी इतने VIP टाइप के बन गए हैं कि अभी 9,000 से 400 बिल्कुल तक आ गए, 400 तक ये रोड एक्सीडेंट आ गए हैं और काफी कमाल के भाई ये वीडियो हमें लगी है। जापान भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा इंडिया भाई इतनी कोशिश कर रहा है ना, यार इंडिया आबादी बहुत है, इंडिया इतनी कोशिश कर रहा है कि जापान को ये पीछे छोड़ देगा। बिल्कुल यार, तो हमें तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।